शायद मैं आपके लिए जो एक फैक्ट लेकर गई हूँ वो एक फन फैक्ट है, जिसे जानकर आपको भी बहुत खुशी होगी। जी हाँ, एक बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि नवाज शरीफ ने मजाक में कहा था कि हमें रवीना टंडन बड़ी ही अच्छी लगती हैं। फिर पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना से कारगिल युद्ध के समय टोंट मारते हुए कहा था कि तुम हमें रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित को दे दो तो हम तुम्हें कश्मीर को बिना किसी लड़ाई झगड़े या युद्ध के वापस दे देंगे। लेकिन क्या हुआ था कि इतने में भारतीय सेना से चुप रहने वालों में से थी नहीं, उन्होंने एक मिसाइल पर लव फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ लिख करके मिसाइल छोड़ दी। जी हाँ, यह फोटो देखते ही देखते वायरल भी हो गई। वैसे यह थाना क्यों, चूंकि शायद के एक ऐसा शब्द जो कि सुनने में डरावना लगता है लेकिन हकीकत है, क्योंकि दुनिया में जो आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। यह तो आप लोगों ने बहुत से लोगों को कहते सुनना ही होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपकी डेथ की डेट बता सकती हूं तो जी हां दोस्तों, इंटरनेट पर एक ऐसी वेबसाइट उपलब्ध है जो कि आपकी डेथ की डेट बताती है। यहां जाने से पहले आपको बता दूं कि कमजोर दिल के लोग यहां बिल्कुल ना जाएं। यह वेबसाइट आपसे आपकी डिटेल फिल करने के लिए बोलती है और अपने अनुमान के हिसाब से आपकी डेथ की डेट बताती है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को रसगुल्ले खाने के कुछ फायदे बताने जा रही हूँ। मिठाइयाँ एक ऐसा नाम है जिसका नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और इन्हें नहीं खाते हैं। हमें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि सेहत सबसे ज़रूरी है। लेकिन जो रसगुल्ले होते हैं या फिर सफ़ेद छेने या फिर जिन्हें सफ़ेद रसगुल्ले भी बोलते हैं, वह हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि यह दूध से बनते हैं, तो दूध के सभी गुण इनमें आ जाते हैं और इन्हें खाने से हमारी आंखों की जलन कम होती है, जो कि आजकल हर इंसान की समस्या है। साथ ही इसे खाने से हमारी आंखों का पीलापन भी दूर होता है। 3 अमेजिंग फैक्ट अबाउट ताजमहल। फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ताजमहल इतनी खूबसूरती से पानी के बीचों में लकड़ियों पर खड़ा हुआ है, तो इसका कारण क्या है? क्या यह लकड़ियां कभी टूटती नहीं है सीलन की वजह से? लेकिन आपको बता दूं कि यह लकड़ियां कुछ ऐसी हैं जो कि पानी में रहने पर और मजबूत होती हैं, और यही कारण है कि ताजमहल इतनी खूबसूरती से इतनी सालों से इस पर टिका हुआ है। फैक्ट नंबर 2, फ्रेंड्स, कुछ लोग ताजमहल के इस दरवाजे को उसका मुख्य द्वार मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ताजमहल का मुख्य द्वार उसके पीछे वाला द्वार यानी कि यमुना नदी वाला द्वार है, जिसमें से राजा और उनकी मंत्री महल में प्रवेश किया करते थे। चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 1 की ओर। फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि जो ताजमहल है वह एक दिन में अपने 3 रंग बदलता है? जी हाँ, सुबह यह गुलाबी होता है, दोपहर यह सुनहरा, वह रात को यह नीला दिखाई देता है। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम फोन पर हेलो क्यों बोलते हैं? नहीं पता ना, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, कुछ लोग तो बताते हैं कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो कि टेलीफोन के आविष्कारक हैं, उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिनका नाम था मार्गरेट हेलो। लेकिन आपको बता दें कि उनकी लाइफ में इस नाम की कोई भी लड़की नहीं थी। उनकी रियल गर्लफ्रेंड का नाम था नेवल ग्राहम बेल, और इन्होंने फोन के लिए सजेशन दिया था कि हम फोन पर अहोय हॉय बोलेंगे। लेकिन थॉमस एडिसन, जो कि बल्ब के आविष्कार हैं, उन्होंने कहा कि हम फोन पर हेलो बोलेंगे। इतने में कुछ लोग तो अहोय को स्वीकारा और कुछ लोगों ने हेलो को, और किसी कारण के चलते सब लोगों ने हेलो को स्वीकार लिया। के फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो टी सीरीज का लोगो है, इस पर टी का मतलब क्या है? नहीं ना, मैं बताती हूँ। इसमें टी का मतलब है भगवान शिव जी का त्रिशूल। जी हाँ, टी सीरीज के जो फाउंडर हैं यानी कि गुलशन कुमार, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, और यह बड़े बड़े मंदिरों पर या शिव जी के मंदिरों पर विजिट भी किया करते थे। आपको यह बात भी जानकर हैरानी होगी कि जब इनकी हत्या की गई थी तो यह लास्ट टाइम शिव जी के मंदिर ही गए थे, और आज इनकी इस कंपनी को इनके बेटे संभाल रहे हैं, और आज इनका ये जो यूट्यूब चैनल है वो नंबर 1 चैनल है, और इस पर 10 करोड़ सब्सक्राइबर भी हैं, और आज इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री का यह 60% कवर करता है, और यह पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 म्यूज़िक चैनल भी है। फैक्ट नंबर 2, फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसकी गर्दन अगर काटते हैं तो वह 9 दिनों तक आराम से ज़िंदा रह सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो कॉकरोच होते हैं वो अपनी नाक के द्वारा सांस नहीं लेते हैं, बल्कि इनकी बॉडी पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनकी मदद से यह सांस लेते हैं, और यह 9 दिन बाद सर कटने की वजह से नहीं बल्कि प्यास की वजह से मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 1 जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दिए। चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 1 की ओर। फ्रेंड्स, आपको ये जो इमेज दिख रही है एकदम बास्केट की तरह, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह द लॉन्ग बर्गर कंपनी का एक ऑफिस है, जिसे कि क्रिएटिवली डिजाइन बिल्डिंग में से एक माना जाता है, और यह इस तरह की बास्केट्स बनाते हैं, और इन्होंने अपने सक्सेस के जरिए
जरिए खूब पैसा कमाया है और इन्होंने इसी सक्सेस के चलते अपनी बिल्डिंग को एज अ बास्केट के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, वीडियो में कौन सा फैक्ट आपको अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। वैसे आज